Okay, so in the last video, हमने discuss किया था about the concept of profit and loss appropriation account. Now we'll solve the questions for PNL appropriation account. Here I am following T.S. Garewal book. If you don't have it, I have written the important points on the board for the question. Rest we'll be solving. After solving this, आप कोई भी book से कोई भी question कर सकते हो. अगर concept आता है तो वो solve हो जाएगा. So हम start करते हैं. A's capital 1 lakh है, B's capital 60,000. Question में कहा है interest on capital charge करना है 6% per annum. Salary to B 3,000 per month. Profit before interest and salary was 80,000. हमें prepare करना है PNL appropriation account. सबसे पहले PNL appropriation account के question में हमें net profit ढूंढना होता है. अब if you can see profit दे रखा है 80,000. फिर ये check करेंगे वो profit after है या before. हमें PNL appropriation में before वाला profit लिखना होता है. अगर before वाला profit दिया हुआ है then well good. हमें कुछ change करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें बिफोर वाला ही दे रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट. अब मैंने जब फॉर्मेट बताया था मैंने ये बताया था कि नेट प्रॉफिट में से हमें तीन चीजें सब्ट्रैक्ट करनी होती हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट एंड मैनेजर्स कमीशन. अगर ये तीन चीजें दी हैं तो मैं सब्ट्रैक्ट होंगी, अगर नहीं दे रखी हैं तो हम नेट प्रॉफिट डायरेक्टली लिख देंगे. नेट प्रॉफिट इज 80,000. देन एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई थी, सारे एक्सपेंसेस हमें डेबिट करने होते हैं, सारी इनकम क्रेडिट करनी होती है. इनकम एक ही होती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बस वही बाई में आती है वरना बाकी सब कुछ टू में आता है. तो यहाँ दो एडजस्टमेंट है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%. ये 6% हमें किसका निकालना है, कैपिटल का. कैपिटल दे रखे हैं 1,60,000. तो हम 1 लाख का 6% कैलकुलेट करेंगे और 60,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे. तो ये 6,000 और ये 3,600. हम पुट करेंगे टू में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अलग अलग शो करना होता है, ए का अलग दिखाएंगे, बी का अलग शो करेंगे और फिर टोटल करके दिखाएंगे. ए का इंटरेस्ट आया 6,000, बी का इंटरेस्ट आया 3,600. दोनों का टोटल करोगे तो आया है 9,600. ठीक है. देन सैलरी टू बी 3,000 पर मंथ. हम मंथ वाला कोई ट्रांजेक्शन नहीं लिखते हैं, हम ईयरली वाला लिखते हैं. तो अगर एक महीने की सैलरी 3,000 है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 × 12, ये आ गया 36,000. टू बीस सैलरी 36,000. बस यही तो एडजस्टमेंट है, हम टोटल करेंगे. ये वही कॉन्सेप्ट है 11 में, टोटल वही आता है जो बड़ा होता है. बाई साइड का बड़ा है तो दोनों साइड बाई साइड का ही टोटल आएगा. अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे. बाई साइड का या क्रेडिट साइड का टोटल 80,000 ही है. डेबिट साइड का टोटल करो 36,000 प्लस 9,600 और 80,000 में से माइनस कर दो तो वो आ जाएगा हमारा टू प्रॉफिट. आगे ब्रैकेट में लिखोगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल. तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम कितना आएगा. 36,000 प्लस 9,600 तो ये हो गया 45,600. 80,000 में से 45,600 सब्ट्रैक्ट कर दो, 34,400 ये आ गया है प्रॉफिट. अब इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है. पार्टनर्स हमारे पास दो हैं, ए और बी, पर पार्टनर्स के बीच कोई भी रेशियो नहीं दे रखा. क्योंकि पार्टनर्स के बीच कोई भी रेशियो नहीं दे रखा तो हम 34,400 को इक्वली बांट देंगे, बराबर बराबर बांट देंगे ए और बी में. तो ये आएगा 17,200 और 17,200. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स, रेशियो इज 3:2. प्रेम सैलरी इज 2,500 पर मंथ, मनोज कमीशन इज 10,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रेम की दे रखी है 1,250, मनोज 4,25. सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें दे रखा है प्रेम 10,000, मनोज 7,500. प्रॉफिट दे रखा है 90,575. सो यहाँ पे प्रॉफिट क्योंकि हमें गिवन है तो ये नहीं लिखा है कि प्रॉफिट बिफोर है या आफ्टर, तो हम प्रॉफिट को बिफोर मानेंगे और हम प्रॉफिट यहाँ पुट कर देंगे 90,575. फिर से बता रही हूँ, लर्न कर लो, नेट प्रॉफिट बिफोर होना चाहिए,
नेट प्रॉफिट में से हम तीन चीजें माइनस करते हैं जो अभी तक क्वेश्चन में आई नहीं है, मैनेजर्स कमीशन, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन. अकाउंटेंसी में कुछ चीजें तुम लोग को लर्न करनी पड़ेंगी. देन मैंने तुम लोग को बताया था इनकम होती है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाकी सारे होते हैं एक्सपेंसेस. तो बाई साइड में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगी. अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे भी रखा है 6%, उन्होंने कैलकुलेट करके भी दे रखा है. बिकॉज उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है, हम दोबारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम वही चीज पुट कर देंगे. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रेम की आ गई 1250, मनोज की 425, हमने टोटल करके लिख दिया 1675. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैपिटल पे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम ड्रॉइंग्स पे निकालते हैं. यहाँ हमें उन्होंने दे ही रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स, तो हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया है 10,000, मनोज 7500, ये आ गया 17,500. देन प्रेम सैलरी हमें दे रखी है 2500 पर मंथ. मंथ है, हमें मंथ वाली नहीं चाहिए, हमें पूरे साल की चाहिए. एक महीने के 2500 रुपये हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2500 इंटू 12, ये आ गया 30,000. ठीक है. देन मनोज की कमीशन हमें दे रखी है 10,000, पूरे ईयर की दे रखी है, हमने वो 10,000 लिख दिया. हमने इधर का टोटल किया, बाई साइड का ये आया 92,250. ऑब्वियसली ये टोटल बढ़ाया तो दोनों साइड वही लिखा, उसमें से ये तीनों चीज़ें हमने माइनस कर दी, 17,500, 30,000 और 10,000. तो हमारा प्रॉफिट आया 34,750. पिछले क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया था तो हमने बराबर बांटा. इस क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया हुआ है तो हम रेशियो में बांटेंगे 3:2 में. दैट इज 34,750 इंटू 3/5. 5 कैसे आया? 3+2 एंड 34,750 इंटू 2/5. ठीक है, तो ये आ गया 20850 और ये आ गया 13,000.